बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेश खाली पर ट्वीट नहीं करती हैं, लेकिन आंदोलनकारी की मौत हुई उस पर वो ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना जरूर साधती हैं और लिखती हैं कि सभी युगों में जमींदारों ने हमेशा गरीबों पर अत्याचार किया है, उन्हें क्रूर बल के अधीन कर दिया है, लेकिन इससे पहले कभी भी किसी चुनी हुई सरकार ने अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे निर्दोष किसानों को नहीं मारा। 10 सालों तक हमारे किसानों से झूठ बोलने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद बीजेपी सरकार अब उन्हें बेदर्दी से मार रही है। तो एक तरफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस बीच गन्ना किसानों को मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है। केंद्र की कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। इस तरह गन्ने की कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है, यानी सीधे तौर पर देश के लगभग 5 करोड़ किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। नया सीजन अक्टूबर से शुरू होना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है और ऐसे में ये बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। एक तरफ जब प्रदर्शनकारी किसान जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले संदेश खाली की, जहां संदेश खाली की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मौके पर जांच के लिए एक टीम भेजने का निर्णय लिया है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भी जारी किया है और 4 हफ्तों के भीतर संदेश खाली पर रिपोर्ट मांगी गई है। संदेश खाली से जुड़े इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। संदेश खाली में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देर रात से भारी संख्या में पुलिस वालों को संदेश खाली बुलाया गया है, वहां पर उनकी तैनाती कर दी गई है। हर दिन के मुकाबले संदेश खाली में पुलिस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। संदेश खाली की इस पूरी घटना से जुड़ी 3 खबरें आपको बताते हैं। पहली ये कि संदेश खाली में देर रात भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। दूसरी तस्वीर आप ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार ने खुद ही यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए संदेश खाली की घटना की जांच कराने का निर्णय लिया और इसके साथ ही आज जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी संदेश खाली का दौरा करने वाली है। संदेश खाली को लेकर ये 3 बड़े अपडेट। और इसमें संदेश खाली से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा करेगी। राष्ट्रीय एसटी आयोग के उपाध्यक्ष अनंत नायक कल कोलकाता पहुंचे हुए हैं और आज वो संदेश खाली का दौरा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल की संदेश खाली से जुड़ी ये सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एसटी कमीशन यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी आज संदेश खाली का दौरा करेगी। संदेश खाली जाना चाहिए आपको? नहीं, कंप्लेन हमको मिला है इसलिए हम जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है ये पुलिस अभी गई है, डीजी अभी वहाँ गई है, तो क्या लगता है पुलिस अगर पहले देख लेती तो मामला इतना बढ़ता नहीं, क्या लगता है? नहीं, अभी कुछ नहीं, हम कम से जा रहा है फील्ड विजिट करने के लिए। संदेश खाली की घटना पर पश्चिम बंगाल में सियासत बहुत तेजी से हो रही है। ममता बनर्जी की सरकार पर बीजेपी पहले दिन से ही हमलावर है और बड़ी खबर इन सब के बीच में आ रही है कि आज बीजेपी इस घटना से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी करेगी। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर डॉक्यूमेंट्री ये बनाई गई। ये डॉक्यूमेंट्री सुबह 9 बजे जारी करने का प्लान है बीजेपी का। दीदी को बोलो और कोलो संदेश खाली इस डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा गया, जिसे 9 बजे जारी किया जाएगा। आंदोलन तो अभी देखिए क्या होता है। हमको निर्लज्ज बिहाया बोलना,
हमको कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि आज हमारे महिला लोग, भाजपा के असाधारण महिला लोग सब आंदोलन किए हैं। मुझे चिंता है हमारे बंगाल के महिला को लेकर। तो ये आंदोलन चलता जाएगा और ये इसका अंत हम लोग देखना चाहते हैं। ये सरकार जो बोलता है माँ माटी मानुष का सरकार, वो कितना महिला विरोधी सरकार है, ये हम लोग सारे दुनिया को बताएंगे। तो संदेश खाली के मुद्दे पर हर दिन घटनाक्रम में बदलाव हो रहा है, सियासत आ गई है, लेकिन संदेश खाली की घटना पर आज क्या क्या होने वाला आपको बताते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आज संदेश खाली का दौरा करेगी। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष संदेश खाली का दौरा करेंगे। संदेश खाली की घटना पर बीजेपी एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी करेगी। बसरहाट जेल में बंद बीजेपी कार्यकर्ता से आज सुकांत मजूमदार मुलाकात भी करेंगे, जिन्हें टीएमसी ने बंद किया है। जिस दिन से यह घटना सामने आई है, उसी दिन से पश्चिम बंगाल में जो विपक्षी दल है वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लामबंद है। और पश्चिम बंगाल की डीजीपी ने संदेश खाली का कल दौरा किया और बंगाल के डीजीपी संदेश खाली गए और वहां उन्होंने मौके का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा भी वहां लिया गया उनके द्वारा। तो संदेश खाली की घटना पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी। इस बीच कल कोलकाता में बीजेपी की एससी एसटी मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तो संदेश खाली की घटना पर आपको बता दें एनएचआरसी ने एक नोटिस भी भेजा है, लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार हमलावर है, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और संदेश खाली के मुद्दे पर दोनों ही नेताओं की तरफ से, यूं कहें दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार अपने अपने बयान दिए जा रहे हैं। तो देखिए संदेश खाली की घटना पर लगातार सियासी संग्राम तो बढ़ा हुआ है, लेकिन इस मामले में आज क्या अपडेट होने वाला है, क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी की एससी एसटी मोर्चा ने कोलकाता में प्रदर्शन किया है, कोलकाता में ही बीजेपी ऑफिस पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखा गया है। तो यहाँ एक तरफ बीजेपी कर रही है, दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने संदेश खाली का इस बीच दौरा भी किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की टीम 23 फरवरी को संदेश खाली जाएगी, ये खबर मिल रही है। वहीं 26 फरवरी से कोलकाता में 3 दिन तक बीजेपी प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो अहम राज्यों में जाने वाले हैं। पहला जो उनका जन्म का राज्य रहा, जहां उन्होंने एक लंबा समय बताया, गुजरात, और दूसरा उत्तर प्रदेश। गुजरात में कहां होंगे वो, क्या कार्यक्रम है वो बता देते हैं आपको। विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं जिनकी स्वागत गुजरात को देने वाले हैं। लगभग 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कई विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन और आधारशिला पीएम द्वारा रखा जाएगा। पीएम गुजरात को 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट की सौगात भी देंगे। सुबह करीब 11:15 बजे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के स्वर्ण जयंती समारोह में पीएम शामिल होंगे और इसके बाद पीएम मेहसाना में वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा करने वाले और इसके बाद पीएम मेहसाना नवसारी में आयोजित 2 सार्वजनिक कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सड़क, रेल, ऊर्जा, हेल्थ, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति समेत कई सेक्टर में शामिल होंगे। और आज ही शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से सीधे जाएंगे उत्तर प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। वाराणसी में कल प्रधानमंत्री के कई अहम कार्य हैं, कल विकास की कई सौगातें देंगे, लेकिन आज के ये दोनों दौरे बेहद अहम है। पहला इस नजरिए से कि गुजरात, जहां से उन्होंने अपनी सियासत को शुरू किया, जहां जो उनका जन का राज्य भी है, सियासत का राज्य भी रहा। दूसरा, जब वो गुजरात से 2014 में चले जाते हैं वाराणसी और वाराणसी की जनता से आशीर्वाद मांगते हैं और वाराणसी आज वो जा रहे हैं, कई विकास परियोजनाएं वाराणसी को भी देने वाले हैं। तो गुजरात में वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें देंगे, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट का उद्घाटन उनमें से सबसे अहम रहने वाला है। आइए इस पावर प्लांट के बारे में थोड़ा और आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि 2 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट का यहां पर उद्घाटन किया जाएगा। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इस बीच 700 मेगावाट की क्षमता वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। दोनों रिएक्टर से हर साल करीब 1040 करोड़ यूनिट बिजली बनेगी। तो देखिए कितना फायदा होगा। और भारत का ये पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसलिए खास है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने इसे डिजाइन किया है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिएक्टर्स की तुलना में सबसे ज्यादा सुरक्षित भी बताया जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी समेत कई राज्यों को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा।
गुजरात की जनता तैयार है अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का स्वागत करने के लिए। और इससे पहले देवभूमि द्वारिका में गोमती घाट पर विशेष आरती की गई है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले 16 गोमती घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने इस बात की जानकारी दी कि 25 साल में पहली बार ऐसी आरती हुई है, साथ ही गोमती घाट पर लाखों द्वीप को प्रज्वलित भी किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका, जहां पर गोमती घाट की ये सुंदरता, ये भव्यता आप देख रहे हैं। 25 साल में पहली बार इस तरीके से आरती का वहां आयोजन किया गया। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले द्वारिकाधीश में, यानी कि द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका में गोमती घाट पर ये आरती की गई। 25 साल में पहली बार ऐसी आरती हुई और उसके बाद दीप प्रज्वलित किए गए, लाखों लाख दीप गोमती घाट के किनारे पर प्रज्वलित किए गए। दूसरी तस्वीर ये किस तरीके से आज कुछ ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात गुजरात को देने वाले, और तीसरी तस्वीर गोमती घाट पर जलते हुए ये दीप, दीपों से सजे 16 घाट। तो देखिए गुजरात तैयार है, लेकिन इसके बाद गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे। वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन भी करेंगे, सौगात भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री वाराणसी में कल, आपको बता दें, सड़क, शहरी, आध्यात्मिक, पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। BHU के स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे और संत शिरोमणि रविदास के जन्मस्थली सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में जाकर मत्था भी टेकेंगे।